ओ भाई तूने तो पूरा हिला दिया। ओए लटक गया भाई, ध्यान से गिर मत जाना, नीचे बहुत गहरा है भाई। लेकिन ये वाला पानी भी गंदा तो है ही, क्योंकि वो लोग गंदा कर रहे हैं ना, पानी गंदा है। जय हो तेरी तारी हो मैं। गाइस आज हमारा यहाँ पे लास्ट डे है, हमारी दो चीजें और रह चुकी है तो वो हम एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो एक तो हमारा रह चुका है भीम पकोड़ा, वो एक पत्थर है। लोग कहते हैं कि वो पत्थर एक हाथ से हिल जाता है, यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है, 10 मिनट का कुछ रास्ता होगा। तो गाइस अभी 9:30 टाइम हो चुका है, तो अभी हम लोग फटाफट से यहाँ से निकलते हैं, थोड़ा नाश्ता वगैरह भी करेंगे। तो गाइस अभी नन्नू और मैं निकल चुके थे भीम पकोड़ा के लिए, ये वाला कुछ रास्ता जाएगा भीम पकोड़ा के लिए। और ये देखो गाइस कैसी खतरनाक वैली है यार, ये मतलब कितना ज्यादा खतरनाक लग रहा है सच्ची में भाई, बहुत ज्यादा नीचे है ये। लेकिन अभी धूप हो गई यार, फिर अपन को सुबह आना चाहिए था। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अभी तो हम लोग वहां से आए थे, तो सिनेमैटिक शॉट में मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि यहाँ पे कैसा लग रहा था। बाकी सच्ची में गाइस मतलब ये वाली चीज देखने में बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, इस चीज को मैं वीडियो में जस्टिस नहीं कर सकता इस चीज। तो गाइस अभी हमें फाइनली दिख चुका है भीम पकोड़ा। तो ये है वो पत्थर, ये वाला पत्थर आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे, ये रहा। तो ये वाला वो पत्थर है, और अभी हम लोग इस वाले रास्ते से आए थे, तो हम लोग काफी मतलब पहाड़ क्रॉस कर लिया हमने। सो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ भीम पकोड़ा। तो ये है वो पहाड़, मतलब ये है वो पत्थर, जहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि ये पत्थर एक हाथ से एक उंगली से भी हिल सकता है। नन्नू आपने ट्राई किया इसको हिलाने का? नहीं हिला। मैं करूँ ट्राई? अब ऊपर चढ़ जाऊँ? एक पाव रखो, एक पाव। उतरूंगा कैसे? एक पाव रखो तो उधर, भाई डर लग रहा है। उधर एक पाव रखना है बस, अब हिलाओ। वो हिल रहा है, हिल रहा ना। तो गाइज मैं उतर गया फाइनली, और ये पत्थर बहुत बड़ा है गाइज, आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा बहुत छोटा है भाई, ये देखो। मैं तो आप लोगों को वाइड एंगल में दिखा रहा था, इसकी वजह से क्या पता आपको छोटा दिख रहा होगा। यहाँ पे बहुत अच्छा लगा हमें, पत्थर भी ला के देख लिया, हिलता है भाई, है ना, हिलता है पत्थर। तू ट्राई करेगा एक बार चढ़ के तो देख। ओ भाई तूने तो पूरा हिला दिया। ओ लटक गया भाई, ध्यान से गिर मत जाना, नीचे बहुत गहरा है, गिरना मत भाई। यार चिंपांजी है क्या तू? हम लोग भी निकलते हैं यहाँ से, आगे की साइड में चलते हैं, थोड़ा क्या चीज़ है देखते हैं। अच्छा नीचे बस वही है, हाँ यहाँ पे तो अपन जाके आ रखे हैं यार। तो गाइस अभी हम लोग चेकआउट कर लेते हैं रूम को होटल में जाके, एक बार जो भी फॉर्मेलिटीज है वो सारी पूरी कर लेते हैं। तो गाइस अभी हम लोग चेकआउट कर रहे हैं रूम से, बैग हमारे पैक हो चुके हैं, चेक कर लेना नन्नू एक बार लास्ट टाइम, कुछ रह तो नहीं गया देख लेना। नन्नू ने बैग पैक कर लिया, ठीक है। सो गाइज अभी हम लोग आधे रास्ते पे तो पहुंच गए, और ये देखो कितना ज़्यादा घना जंगल है यार, बहुत ज़्यादा घना जंगल है, और यहाँ पे ऐसे ट्रैवलर वगैरह बहुत ज़्यादा आती रहती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छी टूरिस्ट प्लेस में काउंट होती है। और ये देखो गाइज अभी तो यहाँ पे झरने वगैरह का है नहीं कुछ सीन, क्योंकि गाइज अभी वो वाला मौसम नहीं है, अभी मौसम है पतझड़ का। ये देखो ये कितने बढ़िया लग रहे हैं यार, ये बहुत अच्छी फीलिंग है सच्ची में, यहाँ पे आने की बहुत अच्छी फीलिंग होती है। आप लोग भी कभी ट्राई करना, अगर आप लोग यहाँ पे आओ तो इस वाली जगह पे जरूर आना। तो गाइज अभी हम लोग कोटद्वार से बस 10 किलोमीटर दूरी पे है, और हम लोगों का मन हो रहा है यहाँ पे नहाने का, वो देखो बच्चे वहाँ पे नहा रहे हैं उस वाली जगह पे। तो अभी हम भी सोच रहे हैं यार कि इस वाली नदी में नहा ले, लेकिन हम लोग यहाँ पे नहीं नहाएंगे, हम लोग थोड़ा आगे की साइड में नहाएंगे। बहुत अच्छा लगा यार यहाँ पे, और वो देखो कितना एंजॉय कर रहे हैं भाई। तो गाइस अभी हमारी ट्रेन भी 4 बजे के करीबन है, तो अभी पहुँचते हैं एक बार। टाइम कितना हुआ अभी? अभी 12:30 बज चुकी है, तो अपन तो ऑन टाइम है यार, अभी है ना टाइम पे ही है। चलो 10 किलोमीटर और है, एक बार चलते हैं उसके बाद में। अभी यहाँ पे 2 नाके आए थे, 2 नाके हम लोगों ने क्रॉस करे, अभी एक और नाका शायद आगे आएगा पुलिस वालों को। गाइस अभी हम लोग इस वाले मंदिर में जा रहे हैं, ये वाला वो मंदिर है, और आप लोगों को एक शानदार चीज बताऊं, अभी दिखाता हूं एक मिनट। UP 16 ये वही वाली गाड़ी है जो हम लोगों को दिखी थी वहीं पे ताड़केश्वर महादेव गए, है ना, वही गाड़ी है ना, वही गाड़ी है। गाइस अभी हम लोग तो नहाने के लिए आ चुके हैं, लेकिन हम उस वाली जगह पे नहीं नहा रहे क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है यार। तो अभी हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे पानी थोड़ा सा साफ लग रहा है भाई, लेकिन ये वाला पानी भी गंदा तो है ही, क्योंकि वो लोग गंदा कर रहे हैं ना, पानी गंदा है। एक आदमी था वो रहा भाई, तेरे को पता पहले के टाइम में ये पूरा भरा होता था कभी, और अभी तक लोगों ने देख कैसे कर दिया। यहीं पे कहीं पे नहा लेते भाई, अच्छा है पानी। गाइस जूते वूते उतारते हैं, मैं एक बार वहाँ पर जाके आ जाता हूँ उस वाली जगह में, क्या पता वहाँ पे हमें कुछ अच्छी प्लेस दिख जाए जहाँ पे हम नहा सकें, थोड़ा सा गहरा भी हो। यहाँ पे हम लोग अभी तो नहा लेते हैं, वो वाला बहुत ज्यादा क्राउडेड था यार, वहाँ पे ना बहुत ज्यादा लोग भागते पानी
बच गया, अंगूठा ही डूबा था। मस्त नारा है, वो दोनों कहाँ जा रहे हैं भाई, मियाँ बीवी। जय हो तेरी, कूद जा वापस। सो गाइस अभी हम लोग भी नहा के आ चुके हैं और बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे नहा के। हम लोग जल्दी आ गए नहा के क्योंकि बंदर आ गए थे, है ना नन्नू? बाटा फेंका था ना, बाटा फेंका था बंदर ने। तो गाइस बाटा फेंका था यहाँ पे बंदर ने, वो वाला था बंदर का इलाका, यहाँ पे इंसानों का, वहाँ पे बंदरों का। हम लोग बंदरों के इलाके में चले गए गलती से। चलो अब चलते हैं, स्कूटी रेंट जो करी थी उनको देते हैं स्कूटी, फिर बाद में ट्रेन के लिए निकलते हैं।